हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में पूछा गया एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा टेढ़ा। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें आई को इनिशियलाइज किया गया। आई में क्या रखा गया है? थ्री रखा गया है और यहाँ वाइल लूप लगाया गया जहां कहा गया है आई इज लेस देन फाइव। लेस देन फाइव का मतलब क्या हुआ? लेस देन फाइव का मतलब ये हुआ फोर, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया है और फिर यहां पर कहा गया है इफ इफ की कंडीशन दी गई है आई की वैल्यू बराबर हो किसके? चार के। तो ऐसी स्थिति में वेलकम को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू तो लेस देन फोर है, लेस देन फाइव है, बल्कि फोर भी नहीं है, शुरुआती दौर में तो थ्री ही है, ठीक है। तो फोर होगी तब ना वेलकम प्रिंट होगा। और अगर वेलकम ना प्रिंट हो पाए, जैसे ऐसी स्थिति ना आए कि आई की वैल्यू फोर के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में नो एंट्री प्रिंट कर दीजिए। तो ये तो क्लियर है कि पहले इसमें नो एंट्री प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जब नो एंट्री प्रिंट होगा तो उसके बाद क्या कहना है इसका? ये कह रहा है कि आई को एक इंक्रीमेंट करा दीजिए, ठीक है। यानी आई की वैल्यू जितनी दी गई है, यानी थ्री दी गई है, तो उसको बढ़ा दीजिए, एक बढ़ाइए। तो थ्री में एक बढ़ेंगे तो क्या आएगा? फोर आ जाएगा। और जैसे ही फोर आएगा तो फोर जो वैल्यू आएगी उसी को प्रिंट करा दीजिए। तो लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ आई और यहां आ जाएगा फोर, ठीक है। तो ये दो चीजें पहले प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ठीक है ना। फाइव से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती है, इवन फाइव भी नहीं जा सकती है, लेकिन यहां पर तो इंक्रीमेंट होगा जब ये चलेगा। तो अभी तो आई की वैल्यू फोर हो गई है, तो जब फोर होगी तो वेलकम प्रिंट करेगा, और वेलकम जैसे ही प्रिंट करेगा तो यहां पर इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू फाइव होगी, ठीक है ना। यहां पर इंक्रीमेंट तो होगा, जब वेलकम प्रिंट करेगा तो इंक्रीमेंट तो होगा, तो आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फाइव से ज्यादा नहीं हो सकती है, इवन फोर भी तो नहीं हो सकती है, सॉरी फोर तो हो सकती है लेकिन फाइव से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर जब ये वेलकम प्रिंट होगा तो यहां पर फाइव भी प्रिंट कर देगा ये, और प्रिंट करने के बाद क्या होगा? बाकी कुछ नहीं प्रिंट करेगा, यही चार चीजें प्रिंट होके आएंगी। तो चलिए एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे देख सकते हैं पहले नो एंट्री, फिर आई की वैल्यू फोर, फिर वेलकम और आई की वैल्यू फाइव, यही प्रिंट करके दे रहा है। तो आउटपुट आपको ऐसे ही प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। जब तक आप अपना लॉजिक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए और आप भी आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी करना है। हो सकता है कि एक दो बार गलत हो, चार पांच बार दस बार गलत हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप आउटपुट प्रिडिक्ट करने में बहुत ही ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। और इसका मैथ्स से कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है, ठीक है। लॉजिक की बात है, लॉजिक लगाना अगर आप सीख जाएंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।